नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल मजेस्टिक मंत्रास पर। आज हम बात करेंगे एक खास त्यौहार के बारे में जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, करवा चौथ। करवा चौथ एक हिंदू त्यौहार है जो चंद्रमा की पूजा के साथ मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, लेकिन पूरे भारत में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। करवा चौथ की कहानी कई संस्कृतियों से जुड़ी है। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार, एक बार एक राजा की पत्नी बहुत बीमार थी। राजा ने सभी वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी पत्नी को ठीक नहीं कर सका। अंत में एक ऋषि ने राजा को बताया कि उसकी पत्नी केवल तब ठीक होगी जब वह बिना पानी पिए एक पूरी रात चंद्रमा की पूजा करेगी। राजा की पत्नी ने यह कठिन परीक्षा स्वीकार कर ली। उसने पूरे दिन उपवास किया और शाम को चंद्रमा की पूजा शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही चंद्रमा निकला, उसकी प्यास इतनी तेज हो गई कि वह लगभग बेहोश हो गई। तभी उसकी सहेलियां आई और उसे एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि वह चंद्रमा को देखने के लिए एक झलक दर्पण का इस्तेमाल कर सकती है। राजा की पत्नी ने ऐसा ही किया और चंद्रमा को देखकर उसकी प्यास थोड़ी कम हो गई। रात भर राजा की पत्नी ने चंद्रमा की पूजा की और अंत में सुबह होने पर उसकी प्यास पूरी तरह से मिट गई। वह पूरी तरह से ठीक हो गई और राजा बहुत खुश हुआ। इस कहानी के बाद से करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए उपवास करती हैं और चंद्रमा की पूजा करती हैं। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल मजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।